माइक वॉल्ट्स जो हैं वो अमेरिका के नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहे हैं. इंटरेस्टिंग ये है कि ही इज वेरी प्रो इंडिया. द नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज वेरी वेरी प्रो इंडिया. पाकिस्तान के लिए आप क्या सोच पा रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन आप इन फ्यूचर डेवलप होते हुए देखते हैं? या अगर यूएसए की बात करें, दोस्त कौन है यूएसए का इस टाइम पे, या ट्रंप का दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा जो उनका दोस्त है ना, हाँ, वो इस वक्त जो लग रहा है वो भारत है, इंडिया है. डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से बहुत सारे मुल्क नर्वस हैं, इंडिया नर्वस नहीं है. वो बात ठीक कह रहे थे. वो अभी आप देखें, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीते हैं, पहले लीडर की जिन्हें उनको कॉल आई है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, और उन्होंने कॉल करके साथ ही उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि हम आपके साथ जो है वो कोलैबोरेशन करना चाहते हैं आईटी पर, डिफेंस पर, स्पेस पर, एजुकेशन पर, एनर्जी पर. अरे पाकिस्तानी जो हुक्मरान है वो अभी भी सोच रहे हैं कब कॉल करनी है, पता नहीं इनकी अटेंड नहीं हो रही कॉल. ट्रंप एक प्रेसिडेंट नहीं है, वो एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है. सो बीइंग अ बिजनेसमैन ही मींस बिजनेस. भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, उन्हें भारत की मार्केट चाहिए, और मोदी जी ने बहुत अच्छे टर्म्स भी भारत के और अमेरिका के बीच में खड़े किए हैं. अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हर कोई भड़ के इंडिया के साथ लॉयल्टी शो कर रहा है. ये उनको पता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो इंडिया है उसके साथ अगर वो रवाबत नहीं अच्छे रखते तो एक तो जारी बात है हाउ टू कम्पीट विद चाइना. जब आप डेवलप करते हैं, अपने आप को मनवाते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपका मार्केट में अच्छा रेट लगता है, आपकी मार्केट में डिमांड लगती है, आपकी वैल्यू होती है. लेकिन अगर आप बिल्कुल ही रह जाते हैं, पीछे बैकवर्ड रह जाते हैं, अब जैसे पाकिस्तान है, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हमारा कोई रोड मैप या प्लान नहीं है फ्यूचर का, तो फिर ऐसे में फिर हमें कोई वैल्यू नहीं देगा. सख्ती तो आपके ऊपर आने वाली है, आप भी अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, जितनी जल्दी हो दादाजी को बोलकर जो अपना पासपोर्ट है वो चेंज करवा लीजिए. दोस्तों माइक वॉल्ट्स जो हैं वो अमेरिका के नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहे हैं, जो कि जैक सुलिवन को रिप्लेस करने जा रहे हैं. इंटरेस्टिंग ये है कि वो इंडिया कॉकस के भी हेड हैं, मेंबर हैं, और इंडिया कॉकस इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉकस इन द कांग्रेस. और उनकी अगर देखा जाए कि ही इज वेरी प्रो इंडिया. The next national security advisor of the United States is very, very pro-India. उनकी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के हवाले से. मैं आपको अगर उनका थोड़ा सा ब्रीफ बायो बताता चलूं कि वो जो हाउस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी है उसके भी मेंबर हैं, जो हाउस की इंटेलिजेंस कमेटी है उसके भी मेंबर हैं, जो हाउस की फॉरेन रिलेशंस कमेटी है आई थिंक उसके भी मेंबर हैं, एंड अबव ऑल वो फॉर्मर कर्नल हैं और बड़ा एक तजर्बा रखते हैं नेशनल सिक्योरिटी का. यूरोप के ऊपर टफ हैं, प्रो इंडिया हैं, और इवन के इस हद तक भी बात की जा रही है कि क्या अमेरिका जो है वो नेटो से विड्रॉ कर जाएगा, या यूरोपियंस को ये धमकाया जा रहा है कि आप लोग जो है वो अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद पूरे करें. ये एक चीज है. आप जरा थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव. देखिए, हमने कई दफा बात की है कि अमेरिका के अंदर देयर इज अ बायपार्टिसन सपोर्ट. जो कल मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से बहुत सारे मुल्क नर्वस हैं, इंडिया नर्वस नहीं है, वो बात ठीक कह रहे थे वो. और ये बात आप देखें कि ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ द इंडिया कॉकस जो है वो यू नो is going to be the national security advisor. Jack Sullivan जो है वो को रिप्लेस कर रहे हैं. आप देखें किन किन चीजों पर इंडिया के साथ वो इंगेज करेंगे. रिसेंटली आपको पता है जो जैक सुलिवन का लास्ट दौरा था, दैट वॉज ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर दोनों मुल्क काफी ज्यादा काम कर रहे थे. एंड अमेरिकन वॉन्ट के जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो किसी तरीके भी जैसे तैसे भी अगर इंडिया के साथ हम शेयर करें तो वो रशिया और चाइना के साथ के हाथ ना लगे. आप देखिए इंडिया के हवाले से देखें जो इंडिया के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. एक तो हमने बात की कि वो देर इज अ बायपार्टिसन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर इस हवाले से. बायपार्टिसन सपोर्ट, कोई बायपार्टिसन सपोर्ट मींस के दी एंटायर कांग्रेस सपोर्ट्स इंडिया. रिसेंटली आपको पता मार्को रूबियो का मैंने बताया था सेनेटर, वो चाहते ये थे कि हम इंडिया के ऊपर स्पेशल लेजिस्लेशन लें. हर एक जो है ना वो भड़ के अमरीकी कांग्रेस के अंदर हर कोई भड़ के इंडिया के साथ लॉयल्टी शो कर रहा है.
और लॉयल्टी शो करने का जो मकसद है वो यही है कि उनको पता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो इंडिया है उसके साथ अगर वो रवाबत नहीं अच्छे रखते तो एक तो जारी बात है हाउ टू कम्पीट विद चाइना, क्योंकि मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि मेरी असेसमेंट है दैट इंडियंस विल नॉट फाइट फॉर अमेरिकन्स अगेंस्ट चाइना। इंडियंस किसी के लिए नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे अगर उनको मौका आया, और वो किसी को कहेंगे भी नहीं कि वो उनके लिए कोई लड़े, बिकॉज फिर उनको भी लड़ना पड़ेगा किसी के लिए। सो वो बड़ी क्लैरिटी है इंडियंस के दिमाग में कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।